सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन एसएस व्लॉग। दोस्तों आज हम आपको लेके चलते हैं एक बेकरी पे, जहाँ पे आपको सब समझाया जाएगा कि बंद और एगलेस केक कैसे बनाए जाते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में शंका होती है, जो बंद बनाए जाते हैं और केक बनाए जाते हैं गंदे तरीके से बनाए जाते हैं, तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल जो बंद और केक है वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों जो हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़े रहें, और जिन्होंने अब तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको आगे चल के और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी इसी चैनल पे। सो आइए चलते हैं। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं नवजेम्स बेकर्स पे, जो कि टोटल एगलेस चीजें बनाते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि कितनी साफ सुथरी तरीके से बनाते हैं। सो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे यहाँ पे किस तरीके से बनाया जाता है और एकदम हर चीज का ध्यान रखते हुए। तो आइए आपको लेके चलते हैं और आपने नवजेम्स बेकरी के अंदर, और हमारे साथ जो है वो नवनीत गौतम जी हैं। क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस बढ़िया भैया। भैया कुछ लोग के दिमाग में ही रहती है कि जो बर्गर और केक्स बनते हैं वो थोड़े गंदे तरीके से बनते हैं और जिनमें साफ सफाई कुछ नहीं होती है। नहीं, हमारे यहाँ पे सारी चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से बनती है। हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और कहीं पर भी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं पर भी हम गंदगी ना यूज़ करें। और जहाँ तक कि आपने जब बाहर भी देखा होगा, हमारे यहाँ पर सिर्फ एगलेस काम होता है। जी भैया, टोटल एगलेस। और हमारे जो है अपने मोटिव्स हैं उसके हिसाब से हम सिर्फ केक्स को और जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं उसमें हम क्वालिटी मेंटेन रख रहे हैं और अच्छी तरीके से उन्हें बना रहे हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप एक बार ही आ जाइए, अंदर आके आप देखिए। चलिए तो दोस्तों आइए अंदर चल के देखते हैं। अच्छा भैया, ये किस चीज़ का बन रहा, क्या बना रहे हैं? ये मैदा है और इसे हमने अच्छी तरह जो है भून रखा है। अच्छा, इससे क्या बनाने वाले हैं? इससे हम पैटीज बनाने वाले हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं। और क्या क्या चाहिए यहाँ पे? हमारे पास पैटीज हैं, बर्गर हैं, सैंडविच हैं, कुलचा है, पाव हैं, केक्स हैं, पेस्ट्री हैं, और बिस्किट्स हैं। अच्छा भैया, आप सिर्फ रिटेल में काम करते हैं या होलसेल में भी? हम होलसेल में भी करते हैं, रिटेल में भी कोई आ जाए तो हम होलसेल में भी रिटेल में भी देते हैं। अच्छा, और जो कि यहाँ पे रीजनेबल प्राइसेस पे मिलता है मेरे दोस्तों। यह हमारा ओवन चालू हो चुका है, इसमें जाएंगी हमारी पेटीज। हाँ?
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पेटीज तैयार हो चुकी है, आइए आपको दिखाते हैं। एक ट्रे निकालना भैया, आइए टेस्ट करके देखते हैं इस पेटीज को कैसे बनी है। जिसका टेस्ट है बहुत ही बढ़िया, एकदम फ्रेश। कैसी लगी भैया पेटीज यहाँ पे? बहुत अच्छी लगी हमें, टेस्ट भी अच्छा था और क्रिस्प बना भी था, बिल्कुल फ्रेश थी। आपका मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि यहाँ पे साफ सफाई आप संतोषजनक है, कैसी है? साफ सफाई यहाँ की बहुत अच्छी है, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपका स्टाफ है वो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में था, और ग्लव्स पहन रखे थे, कैप पहन रखी थी, और बिल्कुल साफ सफाई बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। तो दोस्तों जैसे कि आज आपने देखा, हमने आपको पेटीज बनना दिखाया कैसे बनती है, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होता है। आज हमने वो खुद भी टेस्ट करी, एकदम क्रिस्पी पेटीज थी, मसाले बिल्कुल ना ज़्यादा था ना कम था, परफेक्ट एकदम। और रोज़ यही टेस्ट रहता है, ये नहीं कि आज ऐसी बन गई वैसी बन गई। लोगों के मेरे दिमाग में जितना भी वहम होता है वो सब आज आप इस वीडियो को देख के आप निकाल सकते हो कि बिल्कुल साफ तरीके से बनती है, एगलेस रहती है बिल्कुल, और यहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और दोस्तों हमने यहाँ पर पेस्ट्री और स्वीट बन भी ट्राई करे हैं जो काफ़ी अच्छे थे, इसकी वीडियो भी आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, जो अब तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो प्लीज जल्द से जल्द जुड़ जाएं, एंड सब्सक्राइब द चैनल मेरे दोस्तों, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, और हाँ घंटा जरूर बजा दें। बाय।